अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। त्यादून मैं आप सभी का खैर मकदम है। बेचारे अंध भक्तों का क्या कहना, समझ में नहीं आ रहा। अपने जो शुरुआत में वीडियोस देखे हैं या बहुत कुछ बयान करे, कतर, बहरीन, ओमान, यूएस, सऊदी अरब में भारत के प्रोडक्ट्स को ही बैन कर दिया गया है और सुपरमार्केट से इन्हें हटा दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा हमेशा आपदा में अवसर देखती रहती है। किरण, इसका फायदा भी वो जरूर हासिल करने की कोशिश करेगी। वैसे अंध भक्त कुछ हद तक बिलबिला जरूर गए, कुछ ने तो मोदी सरकार को ही ट्रोल करना शुरू किया हुआ है, लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई से ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर मामला फिर हिंदू मुस्लिम पर ही आएगा और अगला चुनाव हो सकता है इसी को बहाना बनाकर जीत भी लिया जाए, क्योंकि संघी विचारधारा यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है। अब जब नुपुर शर्मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहीन आवाज अल्फाज कर इनकी शान में गुस्ताखी फरमाई और उस पर मुल्क भर से भी आवाजें उठने लगी तो गोदी मीडिया और मोदी सरकार दोनों भी खामोश थी, क्योंकि नुपुर शर्मा तो भाजपा के ही भड़काऊ राजनीति को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन मामला आगे बढ़ा और अरब ममालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे कहा और भारतीय प्रोडक्ट्स पर पाबंदी की ना सिर्फ धमकी दी बल्कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से चीजें भी हटाई जाने लगी, तो भारत की पहले से ही गिरती मईशत को और धक्का पहुंचता है देखकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को हटा दिया गया। अब जब यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने की आदत तो है ही, गोदी मीडिया भी काम पर लग गई, क्योंकि इसमें भी अपना फायदा तलाशना है। आप सुदर्शन चैनल की इस वीडियो को देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को केवल इसलिए हटाया क्योंकि कई जिहादी उसकी जान की धमकी देने के साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह पर गंद फैला रहे। इसके आगे झुकने की क्या आवश्यकता, ऐसे लोगों से हम सामना क्यों नहीं कर सकते। राजपथ पर हमारे 26 जनवरी को दिखाई जाने वाली मिसाइलें, फाइटर जेट और सारा साजो सामान किस लिए है, अगर हम सत्य के साथ किसी भी हद तक जाने की स्थिति में नहीं है तो फिर हम सत्य की रक्षा करने की स्थिति में भी नहीं है। और इसलिए आज का ये ऐतिहासिक दिन कैसे है, जिसको मैं ऐतिहासिक दिन कह रहा हूं, तो ये ऐसे है कि अब कट्टरपंथी आतताई आतंकवादी जिहादियों के विरुद्ध लड़ना इस देश में आज से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ही खड़ी नहीं है, उस देश का उसी पार्टी का सरकार है केंद्र में, वो अगर खड़ी नहीं है तो फिर और कौन खड़ा होगा। आपकी पार्टी है, आपका डिसीजन है, हम तो बाहर वाले लोग हैं, लेकिन ये आपके भी हित का नहीं ना आपके कार्यकर्ता का हित का है, और उससे भी खतरनाक, इस आतंकवादी जिहादी इस्लामियों के विरुद्ध लड़ने का लिए ज्यादा खतरनाक। मतलब इसके जरिए यह बतलाने की कोशिश की जा रही है, देखिए हिंदुओं पर जुल्म कैसे हो रहा है, जिहादी अरब ममालिक के दबाव में नहीं आना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ कानपुर फसाद के लिए मुस्लिम जिहादी जिम्मेदार होने का नैरेटिव चलाया जा रहा है, जबकि सभी जानते हैं कि नुपुर शर्मा के तौहीन रिसालत वाले बयान पर उसी दिन कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब हर भाजपाई मुस्लिम विरोधी बयान देने के लिए ही बना है तो खामोशी भी लाजिम थी, जो मोदी अमित शाह ने दिखाई। और गोदी और बेगरत मीडिया को जब वजीर आजम से अमित शाह से सवाल पूछना था कि तुम्हारी वजह से भारत के कई नागरिकों को यानी शहरियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और तुम्हारी गलत पॉलिसियों का खामियाजा भारत क्यों उठाए, ने भारत का हर शहरी क्यों उठाए, यानी नुकसान भाजपा को नहीं बल्कि भारत को हो रहा है, कई लाखों भारत के प्रोडक्ट्स जब वहां से हटा दिए जाएंगे तो इसका किस हद तक और कितने लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और इनकी हिंदू मुस्लिम मानसिकता जिम्मेदार है। लेकिन बजाय इन्हें सवाल पूछने के हिंदुओं पर जुल्म की कहानियां डिबेट में लाई जा रही है। आखिर कहां तक दुनिया भर में भारत को जलील करने का भाजपाइयों ने ठान लिया है, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। भारत के प्रोडक्ट्स सुपरमार्केट और बड़े शॉपिंग मॉल से हटा दिए जा रहे हैं, ट्विटर पर बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड किया जा रहा है, वही भारत के लाखों लोग वहां मुलाजिमत करते हैं जिन्हें नौकरियों से निकालने की भी इत्तला हासिल हो रही है। यमनी शेख अली अल जमाल लिखते हैं, मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी की टिकट के साथ उनका सारा बकाया भी सौंप दिया है, और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीदो फरोख्त को फौरन रोक दूंगा, और यह मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन जज्बा है। आखिर नुपुर शर्मा के बयान को इतना ज्यादा क्यों अहमियत दी जा रही है, ऐसा सवाल भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। लिहाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी मुसलमान नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका ईमान, इस्लाम, मुसलमानियत
सभी इसी से जुड़ी हुई है और इन्हीं जज्बाती मौजूदों पर भाजपा हमला करना चाहती है ताकि अपनी सियासत इसी के जरिए चमका सके और इख्तदार का मजा तवील अरसे तक चख सके। कुछ अंधभक्त बायकॉट कतर एयरवेज की मुहिम चला रहे हैं जिसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर का वीडियो आलमी सतह पर काफी वायरल हुआ है। एक और बुरी खबर गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत के लिए यह है कि तमाम मोदी गोदी अमित शाह योगी ने प्रमोट करने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। शायद कश्मीर फाइल्स की तरह कामयाब कर इसके पीछे भी नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश इन्हीं नफरती गिरोह की थी पर तमाम हरबों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी नाकाम हो गई। अब अक्षय कुमार को भी हिंदुओं की फिक्र हो रही है। पृथ्वीराज चौहान पर एक बयान देते हुए कहा कि तारीख में मुगल बादशाहों के बारे में ही ज्यादा लिखा गया और हिंदू राजाओं का जिक्र नहीं किया गया। अक्षय कुमार वो अदाकार है जिसने भारत की शहरियत छोड़कर कनाडा की शहरियत हासिल की। इसे भारत से किसी तरह की मोहब्बत नहीं है, इससे पहले भी यह साबित हो चुका है। लिहाजा चापलूसी चमचागिरी की इंतहा हमने इससे पहले भी देखी है कि वजीर आजम मोदी से आम कैसे खाते जैसे सवाल इसी अदाकार ने पूछे थे। खैर आज भी टीवी सीरियल्स हो या फिल्मों के जरिए एक समाज को निशाना बनाना या फिर गोदी मीडिया के जरिए मुस्लिम समाज को बदनाम करने की मुस्तकिल कोशिशें जारी है। जो भी हो लेकिन नुपुर शर्मा मामले में आलमी सतह पर भारत को जो जिल्लत उठानी पड़ रही है इसे पूरी तरह से मोदी सरकार ही जिम्मेदार है जिसका खामियाजा आखिर आवाम क्यों भुगते, यही आज का सवाल था जिस पर यह मुख्तसर तबसरा। Vasudev is our biggest shareholder with a total investment of 624 rupees and 50 paise. And we don't know how to operate anymore. I have grounded all the flights. Our operations is not running anymore. We are requesting Vasudev to take this call for boycott back. And this is a special kind of boycott because it is BYCOTT, another level of boycott. Vasudev Habibi, we are willing to give you one whole plane to make your TikTok videos, or maybe we can give you 2 liters of petrol free so you take this call for boycott back. Otherwise, how will we survive, Habibi? How will our multi-billion dollar airlines survive? So, Vasudev, once you come back from the railway track, please consider our offer and take the boycott back. जैसे हमने कहा कि जब चुनाव आने लगते हैं तो बड़े बड़े दिग्गज सियासतदान बेलगाम शहर के दौरे पर आने लगते हैं। आज भाजपा और कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलासों को मुनक्कद किया गया था। भाजपा के नवीन कुमार कटील ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है और कांग्रेस अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में अंदरूनी खलीश है। बेंगलोर में हाल ही में चिंतन शिविर का एहतमाम किया गया था, लिहाजा तकरीबन 60 से भी जायद कांग्रेस को अलविदा पूरे मुल्की सतह पर किया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। साफियों से बात करते वक्त रियासती भाजपा सदर नवीन कुमार कटील के साथ दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कांग्रेस की जानिब से मराठा मंडल पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंतखाबी इजलास का एहतमाम किया गया था जिसमें साबिक वजीर आला सिद्धरामैया बतौर खुसूसी मेहमान रहे हमेशा की तरह। सिद्धरामैया ने भाजपा की गलत नीतियां, महंगाई और मजहबी तशद्दुद की सियासत पर तंज कसा। इस वक्त साबिक एमएलए जना फिरोज सेठ, सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सतीश जारकवाड़ी, खानापुर एमएलए अंजलि निम्बाड़कर, एमएलए ग्रामीण लक्ष्मी हब्बाड़कर, कैंपेनिंग प्रेसिडेंट एमबी पाटिल, उम्मीदवार प्रकाश हुक्केरी मौजूद रहे। अंजलि निम्बाड़कर ने भाजपा के हिंदुत्व को निशाना बनाते हुए फर्जी हिंदुत्व और हिंदुत्व के नाम पर भाजपा ने बाजार लगाने का इल्जाम भी लगाया। कटील
ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎವರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಇಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಹೇಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಏನು ಅವರು ಯಾರ್ರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಆಧಾರ ರಹಿತವಾದದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಉದಯತ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನಾವು ಬದುಕು ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ರಿಸಲ್ಟು 2023ನೇ ರಿಸಲ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ ಅಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡಿರೋ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತುಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೀರೋ ಇದ್ದವನು ಜೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಜೀರೋ ಇದ್ದವನು ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೀರೋಗಳಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮತದಾರರು ಸೊ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನಿತ್ತು ಅವರು ಒಂದಂಕಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕತ್ಲೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೋತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೋಟರ್ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಚಿಂತನಾ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ 64 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಳಗಿನ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಇರಬಹುದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಬಾಕುಳದಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ತಂಡ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ बेलगाम शहर और अतराफ में लड़कियों की हिफाजत के लिए कुछ भाई लोग सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। यह मसला महज बेलगाम शहर का ही नहीं, कई जगह पर लड़कियां भी आपस में लड़ते हुए देखा जा रहा। आखिर वालिदैन कॉलेज को लड़का या लड़की को इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए भेजते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि नौजवान नस्ल किसी और दिशा में ही भटकती जा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है, जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसा वंश की जानिब से कहा जा रहा है। बेलगाम शहर से सामरा हवाई अड्डे के लिए बस की शुरुआत भी की गई और 100 रुपए का टिकट भी लगाया गया, लेकिन आज सामरा हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली बस को ही पैसेंजर्स की जानिब से धक्का लगाने की नौबत आई, जिससे आवाम में बड़ा ताज्जुब का मुजहरा किया जा रहा है कि हाल ही में तो इफ्तिताही इजलास हुआ और हाल ही में हवाई अड्डे तक के बस के सफर का यानी कि शहरियों के लिए सहूलियत के लिए इस बस को शुरू तो किया, लेकिन उसका इफ्तिताही इजलास होते ही बस दरमियान में ही रुकने लगी। इस पर एक अजीब मुजाहरा भी लोगों की जानिब से किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।